हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कोरिएंडर वड़ी या कोथिंबीरी वड़ी। ये वो महाराष्ट्रियन स्टार्टर रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने एक बंच कोरिएंडर का लिया है जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके बारीक कट करके लिया है। ये 2 कप बेसन है, ये 10-12 लहसुन की कलियां, 4-5 हरी मिर्च और 1 टीस्पून जीरा है जिसे हमें मिक्सी में अच्छे से कोर्सली ग्राइंड करके लेना है। ये 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर है और तलने के लिए तेल है। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, ये नमक है स्वाद अनुसार, ये 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1/4 टीस्पून शुगर है और ये सेसमे सील है। आइए बनाते हैं कोरिएंडर वड़ी या कोथिंबीरी वड़ी। हरी मिर्च, लहसुन और जीरा हम लोग मिक्सी में कोर्सली ग्राइंड करके लेते हैं। आइए अब ये सब चीजें हम मिक्स करके लेते हैं। ये कोरिएंडर में मैं ये बेसन डालती हूँ। बेसन को हमें जरूरत के अनुसार डालना है। पहले मैं 1.5 कप बेसन डालती हूँ और लगेगा तो और डालूंगी। ये जो मिक्सी में से ग्राइंड करके लिया था हरी मिर्च, लहसुन और जीरा, उसका मिक्सचर है। ये राइस फ्लावर है, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, ये हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर, पिंच ऑफ शुगर है, ये सोडा है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, 1 चम्मच मुझे उसमें ऑयल डालना है, 1.5 चम्मच मैंने डाला है। इन सब चीजों को मैं मिक्स करती हूँ। अभी बेसन फ्लावर को हमें जरूरत के अनुसार उसमें डालते जाना है। पहले जो डाला है उसे अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर अगर जरूरत लगे तो और डालेंगे। उसका अच्छे से डो बनाना है हमें। इस तरह से हमारा ये डो अभी तैयार हो गया है। थोड़ा उसे पतला ही रखना है और इसे मैं अभी थोड़ा सा ऑयल लगा के अब हमें इसे स्टीमर में डाल के स्टीम देनी है। अब हम इसे स्टीमर में रख रहे हैं तो स्टीमर में डालने के लिए हम इडली पात्र का यूज कर रहे हैं जिसे ऐसे शेप में हम लोग कोथिंबीरी की वड़ी बना रहे हैं। उसके लिए हमें इसे थोड़ा सा ग्रीस करना पड़ेगा। मैं ये थोड़ा ऑयल डालती हूँ और इसको इस तरह से ग्रीसिंग करती हूँ। इस तरह से हमें इसे थोड़ा सा शेप देना है, राउंड शेप देना है ताकि अच्छे से दिखे वो। ये मैं थोड़ा ऑयल का हाथ उसको लगा रही हूँ। स्टीमर में डालने के लिए रेडी हो गई है। इस तरह से इडली स्टैंड में हम लोगों ने ये कोरिएंडर वड़ी का जो मिक्सचर है वो डाल के लिया है। अब मैं इसे स्टीमिंग करने के लिए रखती हूँ। ये स्टीमर मैंने पहले ही गर्म पानी करने के लिए रखा था। ये पानी बॉइल हो चुका है, अब ये मैं इसमें दोनों ट्रे डालती हूँ। इसको हमें 20 मिनट के लिए स्टीम दे रहे हैं।
गैस का फ्लेम बड़ा कर दूँ। 20 मिनट्स हो गए हैं, मैं अभी गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ और आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये देखिए बढ़िया कितने अच्छे से फूल के आई है। 5-10 मिनट के लिए ठंडा करना होगा। ये इसमें मैं स्टिक डाल के दिखाती हूँ कि ये अच्छे से पक गई है। ये पकी है इसीलिए इसको स्टिक को कुछ भी नहीं लगा होती है। हमें ऑयल गर्म करने के लिए रखना है क्योंकि वड़ियों को हमें तलना है। ये हमारी सारी कोथिंबीर वड़ी स्टीम होके तैयार हो गई है। इसका जो कलर है वो शुगर की वजह से इतना अच्छा आया है, इतना ग्रीन दिख रहा है। अभी मैं इसमें से आधी वड़ियाँ आपको डीप फ्राई करके दिखाती हूँ, फिर आधी को मैं शैलो फ्राई करके दिखाती हूँ। आइए पहले हम डीप फ्राई कर लेते हैं। ये मैं बढ़िया इसमें तलने के लिए डालती हूँ। चार पांच बढ़िया एट ए टाइम डाल सकते हैं। इसे हमें थोड़ा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। ये हमारी बढ़िया तल के तैयार हो गई है, इसे निकाल देते हैं। इसका स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये कुछ बढ़िया है जिसे हमें शैलो फ्राई करना है। इसके लिए हम अभी थोड़े छोटे साइज के पीसेस करेंगे, इसके जैसे कि 1-4 पीस करेंगे। कढ़ाई में का तेल मैंने कम कर लिया है। ये 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें अभी मैंने रखा है। इसमें मुझे सेसमी सीड डालनी है। बढ़िया धीरे धीरे ऑयल एब्सॉर्ब कर लेगी। आप अगर कम तेल खाते हो तो आप थोड़ा ऑयल कम भी डाल सकते हो। शैलो फ्राई बढ़िया तैयार हो गई है। हमारे दोनों तरह की कोथिंबीर वड़ी बनके तैयार हो गई हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।